हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल कवर सेक्शन 54, जो कि है ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। कोई भी रेजिडेंशियल हाउस अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, उस पर जो आपको कैपिटल गेन होता है उससे कैसे बचा जाता है, यानी कैसे एग्जेम्पशन लिया जाता है उसका, एंड क्या क्या कंडीशंस होती है जिसको फॉलो करते हुए आपको वो एग्जेम्पशन मिलता है, ओके और कितना एग्जेम्पशन मिलता है, ये सारी बातें दे रखी है सेक्शन 54 में। एंड वीडियो एंड तक आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, तब आपको वो कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ये सेक्शन 54 किससे रिलेटेड है। ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंशियल हाउस से जो भी कैपिटल गेन मिलता है उसको एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 54। ओके, एसएससी कौन होगा इसमें? इंडिविजुअल या फिर HUF। ओके, कंपनी, फर्म वगैरह कोई भी एसएससी को इसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ओनली एंड ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड HUF को ही रेजिडेंशियल हाउस के ट्रांसफ़र पे जो कैपिटल गेन होगा उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, बट देयर आर सम कंडीशंस जो आने वाली स्लाइड्स में पता चलेगी। एंड जो एसेट ट्रांसफ़र होगा, यानी जो हम रेजिडेंशियल हाउस को ट्रांसफ़र करेंगे, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में? मोर देन 24 मंथ। ओके, यानी वो जो होल्डिंग पीरियड है, पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है आपका वो हाउस का, कितना मोर देन 24 मंथ होना चाहिए। ओके, तभी वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो जैसे ही आपने प्रॉपर्टी कोई ख़रीदी है एंड उसको आपने 24 मंथ से ज़्यादा होल्ड करके रखा है, एंड तब आप वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, उस पर जो कैपिटल गेन होगा उसका आपको एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर दिस सेक्शन। अगर आपने 24 मंथ के पहले ही वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, या फिर 24 अभी आपको 24 मंथ कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसके पहले ही आप सेल कर रहे हैं, देन वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, उसका आपको एग्जेम्पशन अंडर दिस सेक्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो जो एसेट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो रेजिडेंशियल हाउस है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। ओके, यानी आपका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो मोर देन 24 मंथ होना चाहिए। नेक्स्ट इज, एग्जेम्पशन आपको कब मिलेगा? जब आप एक्वायर करेंगे अनदर रेजिडेंशियल हाउस। यानी आपने वो जो हाउस सेल किया, यानी रेजिडेंशियल हाउस जो आपने सेल किया, उसके बदले में जो सेल प्रोसीड्स आई, उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? उस पैसे से अनदर रेजिडेंशियल हाउस एक्वायर करना पड़ेगा। ओके, और वो भी कितना? मैक्सिमम 1 हाउस, और वो भी कहाँ होना चाहिए? इन इंडिया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो जो दूसरा रेजिडेंशियल हाउस है वो श्रीलंका में ख़रीद रहे हैं या फिर लंदन में ख़रीद रहे हैं। ओके, आपको इंडिया में ही ख़रीदना है, और मैक्सिमम 1 हाउस आप ख़रीदेंगे तभी आपको वो उस पर्टिकुलर हाउस पे एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, 2 ख़रीद रहे हैं बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, बट आपको एग्जेम्पशन ओनली ऑफ 1 हाउस। ओके, मैक्सिमम 1 हाउस पे ही आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो एग्जेम्पशन कब मिलेगा? आपको एक्वायर करना पड़ेगा अनदर रेजिडेंशियल हाउस, और वो भी मैक्सिमम 1 एंड इन इंडिया। एंड ऑल्सो कुछ कंडीशंस भी है, बिकॉज मैक्सिमम 1 हाउस दे रखा है, तो कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स होती है या फिर कई ऐसे कंस्ट्रक्शन, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कई सारे यूनिट्स होते हैं। ओके, मल्टीपल यूनिट्स जिसे कहते हैं। तो इन दिस केस हमें चेक करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है, ओके, तो इसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे, राइट, एंड एक ये हाउस है, यहाँ पे एक हाउस है, 2 हाउस 3 हाउस। ओके, तो ये 3 यूनिट्स बने हुए हैं, राइट, हो सकता है ये हाउस हो बट यूनिट्स है एक तरह के ये, राइट, तो इस पर हमको चेक करना पड़ेगा क्या कि इन यूनिट्स को हम जॉइंट कर सकते हैं क्या। यानी ये जो एक घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, तो अगर हम चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू 1, राइट, बिकॉज ये पास पास में। ऐसा नहीं कह रहे कि कन्वर्ट करना ही है, बट ये चेक करना है हमें कि कन्वर्ट ये हो सकते हैं क्या इनटू 1, राइट, तो ये इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू 1, राइट, बिकॉज ये पास पास में। ओके, तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं। एंड इन दिस केस, बिल्डिंग के केस में, यहाँ सपोज कीजिए कि एक घर हम लेते हैं यहाँ पे एंड दूसरा घर है यहाँ पे, और ये दोनों हम परचेस करना चाह रहे हैं। ओके, तो इस केस में क्या होगा ना, ये जो फ्लोर है एंड ये जो फ्लोर है, क्या इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू 1? नहीं, राइट, तो इस केस में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इनको इनटू 1 प्रॉपर्टी। ओके, तो इस केस में क्या होगा ना, जो कन्वर्ट कर सकते थे इसमें हम इसको एक हाउस मान सकते हैं। यानी अगर आप ये तीनों हाउस भी ख़रीद लेंगे ना,
तब भी इन सबको एक ही हाउस माना जाएगा, तो आपकी जो मैक्सिमम वन हाउस का एग्जेम्पशन है वो इजीली आप ले सकते हैं। तो वन हाउस का मतलब ये तीनों ही इंक्लूड हो जाएंगे, यानी ये तीनों यूनिट्स इस पर्टिकुलर वन हाउस में ऐड हो जाएंगे, तो मैक्सिमम आप वन हाउस का एग्जेम्पशन ले सकते हैं, राइट। तो आपका ये इजीली एग्जेम्पशन मिल जाएगा आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, ओके। बट इन दिस केस यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर, ये जो भी फ्लोर है एंड ये जो भी फ्लोर है, बीच में कई सारा काफ़ी गैप है, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू वन प्रॉपर्टी, ओके। तो इस केस में आप दो हाउस हो गए ये, एंड एग्जेम्पशन आपको ओनली वन हाउस का मिलेगा। वो आपकी मर्जी है कि कौन से हाउस का आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं, ओके। ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसी का लेंगे, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है मल्टीपल यूनिट्स के केस में, सिर्फ ये चेक करना है कि वो कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू वन या फिर नहीं हो सकते, ओके। अगर हो सकते हैं देन उसको हम एज अ वन हाउस मान लेंगे एंड पूरा का पूरा आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट अगर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं इनटू वन, देन उसको अलग अलग सेपरेट यूनिट मानना पड़, मतलब सेपरेट हाउस मानना पड़ेगा, एंड आपको उस केस में वो दो हाउस माने जाएंगे, तो आपको तो ओनली वन हाउस का ही एग्जेम्पशन मिलेगा, ओके। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ जो कैपिटल गेन, अगर आपका लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ है, ओके, ये अमेंडमेंट ही आई थी, तो लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ है अगर आपका कैपिटल गेन, याद रखना ये कैपिटल गेन है ना कि सेल कंसिडरेशन, ओके। ये कैपिटल गेन है यानी जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, ओके। तो अगर आपका लेस देन और 2 करोड़ प्रॉफिट, मतलब ये कैपिटल गेन है, देन आपका वो जो मैक्सिमम वन हाउस वाली लिमिट थी, यानी एक हाउस अगर आप परचेज करते हैं, आपने जैसे ही प्रॉपर्टी सेल की, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद आप दूसरी रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर रहे हैं, तो एक हाउस का ही एग्जेम्पशन मिलता था मैक्सिमम, राइट। बट अगर आपका कैपिटल गेन लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ है, देन आपको लिमिट बढ़ा के 2 हाउस कर दिया गया, ये अमेंडमेंट आई थी, ओके। तो इसमें सेम कंडीशंस लगेगी वही जो मल्टीपल यूनिट्स वाली थी, बिकॉज हो सकता है ना, लाइक एक एग्जाम्पल लेंगे अभी, एंड ये वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेगा, यानी आप एक बार ही ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, उसके बाद वापस आपकी वो मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी, वन हाउस वाली, ओके, जो पहले हमने पढ़ी। ये सिर्फ एक बार ऑप्शन अवेलेबल है, वंस इन अ लाइफ टाइम। अब बात करते हैं ये जो सेम कंडीशंस लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, यानी सपोज़ कीजिए ये जो है, ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमने देखी थी, तो इसको एज अ वन हाउस मान लिया गया था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा कैपिटल गेन लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ है, तो हम ये पूरा हाउस ले सकते हैं, इसको एज अ वन हाउस काउंट करेंगे, एंड इन दोनों फ्लोर में से कोई एक फ्लोर ले सकते हैं। सपोज़ कीजिए हमने ये फ्लोर ले लिया, तो ये इसलिए मैंने लिखा था सेम कंडीशंस, बिकॉज वो जो मल्टीपल यूनिट्स वाली चीज़ थी वो सेम टू सेम ऐसी की ऐसी अप्लाई होगी, बस इसमें जो हाउस है वो 2 हो गए, ओके। तो इस केस में क्या हुआ, हम ये पूरा हाउस खरीद सकते हैं, राइट, एंड ये भी पूरा फ्लैट खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा फ्लैट खरीद तो सकते हैं, बट एग्जेम्पशन हम सिर्फ 2 हाउस का ही ले सकते हैं, ओके। तो इसीलिए मैंने कहा कि सेम कंडीशंस वो की वो इस पे अप्लाई होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं टाइम लिमिट की। टाइम लिमिट के केस में अब जो हाउस है, एक तो परचेज हो सकता है या फिर कंस्ट्रक्ट हो सकता है, राइट। दोनों ही केस का मतलब होता है एक्वायर करना, राइट। तो परचेज के केस में जो टाइमलाइन है, सपोज़ कीजिए ये है, एंड यहाँ पे हमने डेट ऑफ ट्रांसफ़र है, यानी यहाँ पे हमने अपना एसेट यानी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है, रेजिडेंशियल हाउस जो है वो सेल किया, ओके। तो उसके बाद, मतलब उसके पहले 1 ईयर बिफोर तक भी अगर हम कोई परचेज करेंगे प्रॉपर्टी, देन ऑल्सो एग्जेम्पशन इज़ अवेलेबल, बिकॉज हो सकता है हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई, कहीं अच्छा घर मिल गया, या फिर कोई भी अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि ये हाउस मेरे लिए परफेक्ट है, देन हम किसी से लोन लेके वो हाउस हमने परचेज कर लिया, राइट। उसके बाद हमने हमारा जो रेजिडेंशियल हाउस था वो सेल किया, तो जो भी सेल प्रोसीड्स आई वो हमने उसको दे दी जिससे हमने पैसे लिए थे। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि 1 ईयर बिफोर भी अगर आप लेंगे न्यू हाउस या न्यू रेजिडेंशियल हाउस, देन ऑल्सो एग्जेम्पशन इज़ अवेलेबल, एंड डेट ऑफ ट्रांसफ़र के बाद आपको 2 साल का टाइम पीरियड मिलेगा, तब भी आप खरीद सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन के केस में। कंस्ट्रक्शन के केस में भी सेम टाइमलाइन लेते हैं, एंड यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया, एंड उसके जस्ट 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ओके। तो ये लिमिट है कंस्ट्रक्शन के केस में 3 ईयर्स, एंड परचेज के केस में 2 साल के अंदर अंदर आपको परचेज करना है, एंड
कंस्ट्रक्शन के केस में 3 साल के अंदर अंदर आपको कंस्ट्रक्ट कराना है, राइट। तो दिस इज़ ऑल टाइम लिमिट, एंड ये सेम टू सेम अप्लाई होगी कहाँ पे, जो हमने ऑप्शन पढ़ा था 2 हाउस वाला, राइट। अगर आपका कैपिटल गेन लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ है, देन सेम कंडीशंस जो था वो इस पर भी सेम कंडीशंस वही अप्लाई होगी, ओके। इसीलिए मैंने वही लिख दिया था, सेम कंडीशंस। नेक्स्ट इज क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन, यानी कितना एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। तो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे इन न्यू हाउस, या फिर जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस से, ओके, तो दोनों में से विच एवर इज लोअर वो हो जाएगा आपका क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन, ओके। जितना आपने इन्वेस्ट किया है इन न्यू हाउस, या फिर जितना आपका कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, विच एवर इज लोअर डेट इज योर एग्जेम्पशन, ओके। बट आपने जो हाउस सेल किया, रेजिडेंशियल हाउस सेल किया, उसके बदले में जो आपने एक्वायर किया है न्यू रेजिडेंशियल हाउस, उसका एक लॉक इन पीरियड है, यानी आप उसको वापस एकदम से नहीं बेच सकते। आपका लॉक इन पीरियड रहेगा कितना, 3 ईयर्स, यानी अप टू 3 ईयर्स जो आपने न्यू एसेट खरीदी है, एसेट मतलब मेरा एसेट से मेरा मतलब है रेजिडेंशियल हाउस, ओके, जो आपने खरीदा है, तो वो आप 3 साल तक नहीं सेल कर सकते। अगर जैसे ही आपने सेल किया, यानी आपने कॉन्ट्रावेंशन किया, देन आपका कैपिटल गेन जो एग्जेम्प्ट हुआ था अर्लियर, यानी यहाँ पे जो आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था जितना, वो आपका जितना एग्जेम्प्ट था अब टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, ओके। यानी जैसे ही आपने एसेट वापस से सेल कर दी, देन आपका जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था पहले, वो अब आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और वो टैक्सेबल कैसे होगा, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस हो जाएगा, ओके। तो जैसे ही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस हुआ, आपका से ये जो कैपिटल गेन है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, राइट। कैपिटल गेन वाली वीडियो मैंने बना चुका हूँ, बेसिक वाली, तो वो आप चेक कर सकते हैं, ओके। तो ये है लॉक इन पीरियड का सिस्टम। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट इज कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। तो ये क्या चीज़ है, जैसे ही आपका ये जो टाइम पीरियड मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्शन के केस में 3 ईयर्स तक कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाना चाहिए, एंड ऑल्सो उसके केस में ये ट्रांसफ़र के केस में 2 ईयर्स तक हमें मतलब परचेज़ करना है न्यू रेजिडेंशियल हाउस, राइट। तो 2 साल तक हमें परचेज़ करना है, बट बीच में फाइनेंशियल ईयर एंड भी तो होगा, हमें उस पर टैक्स भी तो भरना पड़ेगा, बिकॉज हमने तो सेल कर दिया है, राइट। ट्रांसफ़र तो हम कर चुके हैं एंड कैपिटल गेन अराइज हो चुका है, बट हम क्या चाह रहे हैं कि हम 2 साल बाद परचेज़ करेंगे या फिर 1.5 साल बाद करेंगे, जो भी केस है, राइट। तो उसके बीच में कई सारे मतलब 2 फाइनेंशियल ईयर जाएंगे, ड्यू डेट्स जाएगी, देन इसीलिए इस स्कीम को लाया गया है। तो इस स्कीम का मेन मोटिव क्या है कि हमारी जो सेल प्रोसीड्स है, हमने जो रेजिडेंशियल हाउस सेल किया है, उससे जो भी प्रोसीड्स आएगी, तो जितना भी मेरा कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, ओके, वो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर डिपॉजिट स्कीम में डाल देना पड़ेगा। ये स्कीम क्या होती है, बेसिकली एज अ अकाउंट होता है, जैसे सेविंग अकाउंट होता है, वैसे कई सिलेक्टेड बैंक्स में ये स्कीम्स होती है, यानी कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, जहाँ पे आपका जो कैपिटल गेन अराइज हो रहा है उतना उतना अमाउंट आप इस पर्टिकुलर स्कीम में डाल सकते हैं, एंड आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते, मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होगा, राइट। पहले 3 मंथ्स में आप कुछ कुछ पैसे चाहिए होंगे, या और कुछ पैसे चाहिए होंगे, या फिर इन केस ऑफ परचेज आपको जब भी परचेज करना है तो आप इस अकाउंट में से निकाल के प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, ओके। तो जैसे ही परचेज करेंगे, बट परचेज आपको कब तक करना पड़ेगा, 2 साल के अंदर अंदर इन केस ऑफ परचेज, ओके। एंड इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको 3 साल के अंदर अंदर अमाउंट को यूटिलाइज करना पड़ेगा, ओके। तो इस में जितना आप डिपॉजिट डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गेन, मतलब कितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, जितना आपको कैपिटल गेन हो रहा है उससे ज़्यादा कर सकते हैं, बट आप मैक्सिमम कितना करेंगे जितना आपको कैपिटल गेन हो रहा है, बिकॉज इतना ही तो एग्जेम्पशन चाहिए हमें, राइट। इससे ज़्यादा तो वैसे ही नहीं मिल सकता, बिकॉज हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन कितना था, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विच एवर इज लेस, राइट। तो आपको डिपॉजिट कब तक कराना पड़ेगा, ऑन और बिफोर 139(1) ड्यू डेट, यानी जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है, उसके पहले आपको अमाउंट जो है आपका कैपिटल गेन जितना आपका अराइज हो रहा है उतना अमाउंट आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा, ताकि आपको उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एग्जेम्पशन मिल सके, बिकॉज
इन्वेस्टमेंट आप हो सकता है 1 साल बाद करें, 1.5 साल बाद करें, राइट, बिकॉज 2 साल का टाइम पीरियड मिल रहा है आपको परचेज करने के लिए न्यू हाउस। नेक्स्ट इज डिपॉजिट जो है वो कंसिडर्ड एज अ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट, देन यू कैन टेक एग्जेम्पशन। जैसा कि मैंने बताया कि जो डिपॉजिट करेंगे आप इन दिस स्कीम, वो ऐसा माना जाएगा कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है इन न्यू एसेट, और फिर आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। और बाद में जब आप ईयर ऑफ जब भी परचेज करेंगे प्रॉपर्टी, तो इस पर्टिकुलर अकाउंट में से आप पैसे निकाल के परचेज कर सकते हैं वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। बट प्रॉपर्टी आपको परचेज करनी पड़ेगी अप टू द 2 ईयर्स इन केस ऑफ परचेज एंड अप टू 3 ईयर्स इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपको वो अमाउंट यूटिलाइज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अनयूटिलाइज छोड़ दिया। अगर अनयूटिलाइज अमाउंट छोड़ दिया देन आपको वो वापस तो मिल जाएगा, बट वो टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट। जैसे ही 2 साल कंप्लीट हो गए एंड आपने न्यू प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं किया, आपका वो जो अमाउंट है वो वापस टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर ऑफ एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट। ओके, तो दिस इज सेक्शन 54 जो कि है एग्जेम्पशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस।